आपको पता है हम जितनी केयर अपनी स्किन एंड बॉडी की करते हैं उससे कई ज़्यादा केयर हमें अपनी बालों की करनी चाहिए, क्योंकि हम सबको पता होती है कि हमारी जो बालों की पोर्स होती है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है। उसकी वजह से हमें बहुत सी इश्यूज देखने को मिलती है, लाइक हेयर फॉल, डैमेज, फिजी हेयर, यू नो, डैंड्रफ, फंगल इन्फेक्शन, ऐसी बहुत सी हमें इश्यूज देखने को मिलती है। उसमें जो खास है वो है हेयर फॉल एंड डैंड्रफ एंड हेयर डैमेज। सो सारी प्रॉब्लम एंड इश्यूज हम सब फेस करते हैं। ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहता कि हेयर फॉल हो या डैंड्रफ हो या डैमेज हेयर बने। सो या तो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ होम इंग्रेडिएंट्स, लेकिन मार्केट में आपको अपने हेयर रिलेटेड बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, जो बहुत सी ऐसी ब्रांड कंपनी निकल आई है जो आपको बहुत ही अच्छे हेयर केयर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। सो या आप वो भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो भी आपको बहुत ही इफेक्टिव एंड बेनिफिशियल रिजल्ट मिलती है उनमें से भी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप होम मेड नेचुरल इंग्रेडिएंट से कुछ बनाना चाहते हो ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, क्योंकि जो अभी सिचुएशन चल रही है लाइक कोरोना, यू नो, लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है, अगर आप चाहते हो कि आप घर पे ही अपनी बालों की केयर करें या यू नो बाहर की चीज़ें कुछ भी यूज़ नहीं करना चाहते, तो या आप ये हेयर मास्क से वो आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि आपको थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा कि मैं कौन से इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि वो यस, दिस इज हिबिस्कस फ्लावर, बिकॉज हिबिस्कस फ्लावर सबके घर पे अवेलेबल होते ही है। और हम सबको पता होती है कि खास करके लड़कियों को पता होती है कि हिबिस्कस फ्लावर की जो बेनिफिट है वो कैसी होती है, वो हेयर के लिए कितनी अच्छी होती है, हेयर को कितनी अच्छे से मॉइस्चराइज करती है, कितनी अच्छे से शाइनिंग देती है, हेयर ग्रोथ में हेल्प करती है, हेयर फॉल रिड्यूस करती है। सो अभी बात करें होम इंग्रेडिएंट्स के बारे में, तो आप देखना नहीं चाहते कि वो मैंने हेयर मास्क कैसे बनाई है। बहुत ही इजी तरीके से बनाई है, कोई भी जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए गार्डन से पहले अपनी फ्लावर्स कलेक्ट कर लेती हूँ। आप देख सकते हो कितनी सारी फ्लावर्स लगी हुई है। तो यहाँ से मैं फ्लावर्स एंड लीफ दोनों ही कलेक्ट करूँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये यू नो पिंक कलर की भी हिबिस्कस लगी हुई है, सो बहुत ही अच्छी। और दोनों फ्लावर्स एंड लीफ्स मैं कलेक्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे अपनी क्वांटिटी वाइज मैंने फ्लावर्स कलेक्ट कर ली है, और अभी इसकी मुझे ठीक पेस्ट बनाना है। आप देख सकते हो मैंने लीफ एंड फ्लावर्स दोनों ही कलेक्ट किया है। लीफ भी बालों के लिए बहुत अच्छी है एंड फ्लावर्स भी। सो यहाँ पे मैंने एक ठीक पेस्ट बना लिया है, और आप देख सकते हो हेना की तरह लग रही है। और यहाँ पे मैं अर्गन हेयर मास्क अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपके पास हेयर मास्क नहीं है तो आप योगर्ट भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास योगर्ट भी नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, और डायरेक्ट जो मास्क है वो आप अप्लाई कर सकते हो। मेरे पास थी तो मैंने सोचा क्यों ना ऐड कर दूँ। सो या अभी मैं इस पेस्ट को, आप देख सकते हो ना पूरा हेना की तरह दिख रही है। तो हाँ, अभी मैं इस पूरे पेस्ट को ऑल ओवर हेयर पे अप्लाई करूँगी। रूट टू टिप तक मैं इसे अप्लाई करूँगी। ऑन कैमरा यू नो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो अभी मैं दिखा रही हूँ लेकिन ऑन कैमरा थोड़ी दिक्कत हो जाती है ऑल ओवर अच्छे से लगाने में। तो मैंने ऑफ कैमरा जाके अपने पूरे ऑल ओवर स्कैल्प पे अप्लाई कर लिया था। एंड लुक एट दैट, इस तरह से मैंने अपने पूरे हेयर पे अप्लाई कर लिया है। अब इसको ड्राई होने दूंगी कम से कम डेढ़ घंटे के लिए। गाइस, अब यहाँ पे मेरी बाल अच्छी तरह से ड्राई हो चुकी है, तो अभी मैं कोई सी भी माइल्ड शैम्पू से अच्छे से वॉश कर लूंगी नॉर्मल या लिक्विड वाटर से। एंड गाइज लुक एट डेट, आफ्टर अप्लाई दिस हेयर मास्क मेरी बालों की जो शाइनिंग है वो आप देख सकते हो। वैसे गाइज मैंने यहाँ पे बाल धोने के बाद हेयर सीरम अप्लाई कर लिया था। हाँ, हेयर सीरम आप अप्लाई कर सकते हो, वो भी बालों के लिए बहुत अच्छी है। सो थोड़ी सी ठीक लग रही है बाल, लेकिन इसकी जो शाइनिंग है और इसकी जो बेनिफिट्स है वो बहुत ही अच्छी है। गाइज ये आपकी बालों को मैनेजेबल बनाती है, स्मूथ एंड सिंपल बनाती है, एंड ऑल्सो हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करती है। सो या आप ये हेयर मास्क अप्लाई कर सकते हो, जो बहुत ही ईजी है एंड 100% नेचुरल है एंड ऑर्गेनिक है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, थैंक यू, बाय, लव यू ऑल।